हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ दुनिया। आज मैं आपको बताती हूँ कि नींबू का अचार कैसे डाला जाता है। तो नींबू का अचार जब हम डालते हैं तो उसको गलने में और बनने में, तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो आज हम रेसिपी बता रहे हैं, इससे 5 से 7 दिन के अंदर हमारा नींबू का अचार गल कर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो देखिए, ये हमने सबसे पहले 4 किलो नींबू ले लिए हैं। तो इसको जल्दी से गलाने के लिए हम इसमें पहले नमक डालेंगे। तो ये 4 किलो नींबू के अंदर हम 3 चम्मच नमक डाल देंगे। ये 3 बड़े चम्मच नमक इसमें जब हम डालते हैं तो ये नींबू हमारा बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, हमने 3 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है और इसको 4 से 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे ऊपर नीचे, तो नमक हमारा पानी छोड़ देता है, जिससे हमारे नींबू बहुत जल्दी गल के रेडी हो जाते हैं। तो 4 से 5 दिन के बाद देखिए, ये जो हमारे नींबू हैं ये काफ़ी अच्छे से गल के रेडी हो गए हैं। और इनको हम ऐसे ऊपर नीचे हिला हिला देते हैं और चेक करते हैं। जब ये थोड़ा गल जाता है तो हम इसे देखिए इस तरह से छलनी में से छान लेंगे। जो इसका पानी होता है उसे हम नीचे निकाल देते हैं और अपने नींबू को ऐसे छान के रख देते हैं। जब सारा पानी नीचे निकल जाएगा तब हम इन्हें एक कपड़े के ऊपर सुखा देंगे। तो ये देखिए, इसे ऐसे रख दिया और ये देखिए नीचे थोड़ा पानी निकल गया है। तो अब जब ये थोड़े अच्छे से सूख गए हैं तो हम इन्हें थोड़ी देर के लिए कपड़े पे सुखा देंगे। हमें बस आधे घंटे के लिए इन्हें सुखाना है। ज़्यादा देर सुखाने से ये बिल्कुल सूख जाएंगे और हमारे मसाले को फिर रस नहीं मिल पाएगा और वो अच्छे से गलेगा नहीं। तो इन्हें सिर्फ आधे घंटे के लिए हम सुखाएंगे और उसके बाद हम अपना अचार डालेंगे। जब ये हल्के सूख जाएंगे तो फिर हम इसे अंदर ले, जब चलो तक ये सूख रहा है तो हम अपना मसाला बना लेते हैं। तो ये हमने सौंफ ली है, ये मेथी ली है 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंफ ली थी, इनको दरदरा पीस लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने काला नमक लिया है, नमक हमने पहले भी डाल दिया था इसलिए सिर्फ काला नमक लिया है। इसके बाद हमने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है गरम मसाला और एक से 1.5 बड़ा चम्मच हमने मिर्ची ले ली है। जितना तीखा आपको बनाना आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद इस मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें हम और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ यही चीज़ें डलती हैं जो नींबू का अचार होता है। और नमक हम इसमें सफ़ेद नमक इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले ही डाल लिया है, तो हमारे नींबू ने पहले ही नमक सोख रखा है। इसके बाद जो हमने नींबू सुखाए हुए थे उनको आधा घंटा हो जाता है, तो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाला इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमने अपने सारे नींबू इसमें डाल लिए और अच्छे से मसाले में अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारे नींबूओं के ऊपर मसाला लग जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नींबू थोड़े सूखे हुए हैं तो इसके अंदर हम 5-7 नींबू अलग से काट के उसका रस इसके ऊपर से डाल सकते हैं। उससे मसाला फूल जाएगा और नींबू में भी थोड़ा सा रस बन जाएगा। अगर आपको मीठा वाला नींबू का अचार बनाना है तो आप इसमें इस टाइम अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं 1 से 2 कटोरी। तो फिर चीनी भी अपना पानी छोड़ देती है और उससे ये अच्छे से गल के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा नींबू का अचार बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम 1 से 2 दिन के बाद आराम से खा सकते हैं। अब हम इसे एक साफ और सुथरे डब्बे में इसे डाल के अच्छे से स्टोर कर लेंगे। अगर ये डब्बा कांच का हो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये देखिए, हमने सारे नींबू अपने डाल लिए हैं और ये नींबू हमें अभी ऐसे लग रहे थे कि ये थोड़े ज़्यादा सूख गए हैं, तो हम इसके ऊपर से 5 से 6 नींबू अलग से काट के उसका रस इसके ऊपर डाल, ताकि अचार ज़्यादा सूखा सूखा ना लगे। तो ये देखिए, ये अब हम इसके ऊपर से नींबू का रस डाल रहे हैं और इसे हर 1 से 2 दिन के बाद ऊपर नीचे चम्मच से या फिर हिला के ऊपर नीचे करते रहे ताकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो और जल्दी से बन के रेडी हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये हमारा नींबू का अचार अब बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हमारा नींबू का अचार बन के रेडी हो गया है। इसे हम 1-2 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं और इस तरह से हम गर्मियों में भी नींबू का अचार डाल सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सर्दियों वाले नींबू का अचार ही डालें, गर्मियों का नींबू का अचार भी इस तरीके से बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।